चुनाव लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। यह नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। स्कूल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को एक अवसर प्रदान करें जिससे वे वास्तविक जीवन की स्थितियों को महसूस कर सकें। टैगोर विद्या निकेतन स्कूल में भी इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है। गाडरवारा में स्थित टैगोर विद्या निकेतन द्वारा स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं को चुनावी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले विभिन्न वर्गों से उम्मीदवारी दर्ज की गई। उम्मीदवारों ने अपने सहयोगियों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए समर्थन मांगा। मतदान अधिकारियों के अधीन मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई। प्रतियोगी एक अलग क्षेत्र में मौजूद थे। स्कूल प्रशासन ने चुनाव आयोग के रूप में काम किया। वोट डाले गए, मतपेटियों को सील किया गया और परिणाम घोषित करने के लिए सोमवार का दिन निश्चित किया गया। परिणाम के पश्चात स्कूल कैबिनेट का गठन किया जाएगा और प्रत्येक पदस्थ विद्यार्थी को शपथ दिलाई जाएगी। अब देख रहे हैं कि टैगोर विद्या निकेतन में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन की आज मतदान किए जा रहे हैं, जिसमें टैगोर विद्या निकेतन के इस इलेक्शन में रिटर्नर ऑफिसर जो बनी हुई हैं प्रिंसिपल गुंजन पाठक जी से मैं आपको मिलवाता हूँ। जय हिंद। जो आज टैगोर विद्या निकेतन में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन की जो चुनाव चल रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार की है? सर, ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और स्कूल एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां हम बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल सेट करके बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आता है समर्पण, अनुशासन, पंचुअलिटी, ये सारी लीडरशिप, ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से इस छोटी सी प्रक्रिया के दौरान उन्हें सिखा सकते हैं। चुनाव किस तरीके होता है, किस तरीके से उम्मीदवार चुने जाते हैं, उसके बाद पिछले वर्ष भी हमने इस तरीके का स्कूल कैबिनेट का गठन किया जिसमें लगभग 68 बच्चों का मेंबरशिप थी। इस साल हमने चार और पोस्ट बढ़ाई हैं क्योंकि बच्चों ने इस दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वाह किया। मैं चाहती हूं कि भविष्य में भी टैगोर विद्या निकेतन के बच्चे इसी तरह इस छोटी छोटी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनते रहें और सफल हों। जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में अभी मेरी रिटर्नर ऑफिसर प्रिंसिपल गुंजन पाठक जी से बात हुई। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ इस पूरी चुनाव के इलेक्शन के मतदान के एआरओ देवेंद्र रजक। किस प्रकार की यह जो मतदान की प्रक्रिया हो रही है, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? देखा जा रहा है बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है अपने लीडर को चुनने के लिए। सर, ये चुनाव प्रक्रिया हमने बच्चों के लिए स्कूल इसलिए रखी है क्योंकि बच्चे 18 साल की उम्र के बाद मतदान का प्रयोग करेंगे। तो मतदान होता क्या है उसको हम बेसिक लेवल से उनको बताना चाहते हैं कि घर में जब बच्चे माता पिता वोट डाल के आते हैं चुनाव में, तो पूछते हैं पापा जी ये निशान क्यों लगा है, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि चुनाव कैसे होता है। हमने पूरा लोकतांत्रिक हिसाब से इस प्रक्रिया को रखा है। हमने बच्चों को टिकट दिए हैं, उम्मीदवारों के नाम आए हैं और हमने बच्चों के नाम उम्मीदवार के हिसाब से नामित किए हैं कि कौन बच्चे चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार रहेंगे। आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। ये देखिए सर, आप यहाँ देख सकते हैं हमने चार बूथ बनाए हैं। जैसे स्कूल प्रक्रिया में चार हाउस रहते हैं, हमने चार बूथ बनाए हैं। हर बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी है, एक पोलिंग ऑफिसर है। आप देख सकते हैं पूरी हमने स्कूल रिकॉर्ड से अटेस्टर से बच्चों को वेरीफाई किया है। उनको एक पर्ची दी जा रही है जैसे बैलेट पेपर होता है, उस पर्ची से बच्चे का की पहचान को नोट किया जा रहा है और पर्ची के बाद बच्चे पे उंगली से निशान भी लगाया जा रहा है स्याही का, जिसमें ये पता चल सके कि इसने मतदान का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारी पेटियाँ मत पेटियाँ रखी हैं जिसमें बच्चे अपने मत का प्रयोग करेंगे। देखिए सर, यहाँ पे बच्चे का नाम पूछ के ये जो एक ऑथराइज लिस्ट है हमारे पास, उससे बच्चे का नाम यहाँ पर नोट किया जा रहा है। यहाँ स्याही लगाई जा रही है और उसके बाद बच्चे हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं कि आपने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसे ही
बच्चे अपने साइन करेंगे, उसके बाद तत्काल वोट के लिए जाएंगे और स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज आप जो मतदान कर रहे हैं अपने लीडर को चुनने के लिए, बहुत दर से लाने में लगे हुए भी हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जो चुनाव होते थे विधानसभा लोकसभा के, आज आपके स्कूल में आप वोट डालेंगे, कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोगों ने मतलब हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे फर्स्ट टाइम हम लोग वोट डाल रहे हैं, तो हमें अपने लीडर्स को चूज करना है कि कौन हमारे स्कूल को अच्छे से संभालेगा, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपने अभी तक तो वोट नहीं दिया होगा, लेकिन आज पहली बार आपको आज स्कूल के इलेक्शन में आपको वोट देने का अधिकार मिल रहा है। यस सर। कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये पहली बार अधिकार मिल रहा है वोट देने का, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये पूरी अपन ने चुनावी प्रक्रिया आप लोगों के सामने चल रही, तो सीखने का मौका मिल रहा था, जब बड़े हो गए तो देश का नेता भी चुनेंगे। यस सर। तो इसमें क्या जिम्मेदारी महसूस होती है? यस सर, हमें जिम्मेदारी महसूस होती है अपने देश के प्रति, अपने स्कूल के प्रति। विद्यानिकेतन में चुनाव की एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें कैप्टन का चुना जा रहा है, बच्चे आज इसमें वोटिंग भी कर रहे हैं, आप कैसा देखते हैं बच्चों को भविष्य को लेकर चुनावी प्रक्रिया? डेमोक्रेसी पद्धति के अनुसार आज हमारे विद्यालय टैगोर विद्यानिकेतन में चुनाव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को चुनाव की प्रक्रिया से परिचित कराया जा रहा है। बच्चे किस तरह से चुनाव करेंगे, किस तरह से वोट डालेंगे, और हमारे स्कूल में बूथ भी बनाए गए हैं, चार हाउस भी हैं, तो चार हाउस के हिसाब से चार कलर के बूथ भी बनाए गए हैं, जिसमें बच्चे अपने हाउस के अकॉर्डिंग वोटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे भारत देश के चुनाव होते हैं वैसे ही हमारे विद्यालय में उसी प्रक्रिया के अनुरूप ही चुनाव का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें 22 कैप्टन, कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल का चुनाव होगा, जिसमें वो इस स्कूल की व्यवस्था में उनका बड़ा, बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, उनको कुछ दायित्व दिए जाएंगे, उन दायित्वों का वो बच्चे पालन करेंगे और बहुत कुछ सीखने को इस चुनाव के द्वारा बच्चों को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टैगोर विद्या निकेतन में आज बच्चे अपने लीडर को चुनने के लिए जा रहा है। इस स्कूल में हाउस बनाए जाते हैं, मेरे साथ मैडम है, कैसी क्या हाउस की पूरी प्रक्रिया है? मैडम, इस स्कूल में जो हाउस बनाए जाते हैं वो कैसी क्या प्रक्रिया है? एक्चुअली सर, देयर आर फोर हाउसेस इन TVN स्कूल, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस एंड येलो हाउस। So I am the house mistress of greenhouse, and I want that the students support the candidate of greenhouse. So it will be good for our house, because I am the teacher of this greenhouse, and I think the leader should be bold. The leader should be having the leadership qualities. A leader should be confident. That's all. सर, आई एम फीलिंग ग्रेट एंड आई एम फ्रॉम क्लास 12 साइंस, माय नेम इज युवराज सिंह एंड इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू प्रूव माय सेल्फ एंड माय लीडरशिप स्किल्स टुवर्ड्स स्कूल एंड इट्स वेरी गुड। यहाँ पर कोई चुनावी प्रक्रिया को जिनको बताया जा रहा है, It's a new experience to discover these things, because in upcoming days we all guys have to vote for our nation, so it's very good for our upgradation. Yuvraj Singh. यहाँ पर आज चुनाव हो रहा है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया का पालन कराया जा रहा है उम्मीदवारों के लिए। आप उम्मीदवार हैं यहाँ, क्या देखते हैं आप यहाँ? As I am the student of the Tagore Vidyaniketan School, I elect as a school captain. I feel very excited and little nervous. So I am very excited. क्या लगता है यहाँ से ये चुनाव अगर आप लोग अगर कुछ जीतते हैं तो आगे भी राजनीति में अपना करियर बनाना चाहेंगे? नहीं, no. I never go to the politics. आज आपके स्कूल में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, आप उम्मीदवार हैं। Yes, आपने किस प्रकार का प्रचार किया था अपने पक्ष में वोट कराने के लिए? Yes.
आई एम नर्वस बट आई एम फीलिंग वेरी गुड फॉर द इलेक्शन. आई होप ऑल द स्टूडेंट्स सपोर्ट मी. एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टैगोर विद्या निकेतन गाडरवारास नॉमिनेटेड फॉर द स्कूल कैप्टन. आई होप ऑल स्टूडेंट्स सपोर्ट मी. स्टूडेंट विल कम एंड आस्क सम प्रॉब्लम एंड आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स. आज यहाँ पर चुनाव चल रहा है, आप लोगों ने प्रचार भी किया है कि बच्चों के बीच में जाकर क्या बोला है? यस सर, वी कॉन्टेक्ट सम स्टूडेंट्स एंड सेड दैट इफ यू आर लाइकिंग मी एंड इफ यू आर रेडी टू सपोर्ट मी, इफ यू आर रेडी टू मेड योर लीडर एस मी, देन वोट फॉर मी एंड सपोर्ट मी. चुनाव प्रचार आपने कब तक किया था? सर बिफोर द इलेक्शन ओनली वन डे. आपको स्कूल टाइम में चुनाव देखने का मौका मिल रहा है, कैसा लगता है ये? सर दिस इज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस दैट बाय दिस वी हैव एग्जांपल्ड एंड एक्सपीरियंस द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इलेक्शंस बाय दिस मेथड. अगर इस चुनावी प्रक्रिया को जो अपन बड़े होते हैं देखते हैं तो हमको लगता है कि अपन को देश का लीडर चुनने में अपन को किस प्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी? यस सर, दिस इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बाय दिस वी एक्सपीरियंस द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इलेक्शंस लाइक लोकसभा इलेक्शंस एंड विधानसभा इलेक्शंस. आकाशी कौरव फ्रॉम क्लास 12. टैगोर विद्या निकेतन में जो भी आज इलेक्शन काउंसिल स्टूडेंट के लिए चुनाव हो रहे हैं, बच्चों को काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है. सर आप इसको कैसे क्या देखते हैं? देखिए, सन 77 में ये स्कूल खुला था. जिन 24 लोगों ने, हाँ मित्रों ने मिलकर ये स्कूल खोला था कि हम इस शहर को एक अच्छी शिक्षा दें, और इंग्लिश मीडियम उस समय ऐसा चल रहा था, कोई स्कूल था नहीं जिले में, तो वो हम लोगों ने ये मिलकर शुरू किया और ईश्वर की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है. आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम पढ़ाई के अलावा और भी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ या हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो कुछ आता है वो भी हम बच्चों को सिखाएं. चूँकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस प्रकार के चुनाव हमारी कंट्री में विधानसभा, लोकसभा और भी दूसरी संस्थाओं के होते हैं, तो बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी मिले कि चुनाव कैसे होते हैं, उसमें कैसे अपीयर होता है, आप किस प्रकार से वोटिंग करें और किसको वोट देना चाहिए. हमारे शिक्षकों ने, हमारी प्रिंसिपल ने उन बच्चों को ये सब सिखाया और बड़ा सराहनीय प्रयास है. और हमको देख के इतना आश्चर्य हुआ कि बच्चे इतने अच्छे से वोटिंग कर रहे हैं और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह बने हैं, वो बराबर देख रहे हैं कि उनके नाम वगैरह वो बैलेट पेपर पर बने हुए हैं, तो कोई गलत बच्चा तो नहीं वोट दे दे. उनके हाथ में वो स्याही जैसा का निशान वहाँ विधानसभा लोकसभा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं. यानी एक कंप्लीट ट्रेनिंग है कि कैसे चुनाव में आप खड़े होइए और कैसे चुनाव में आप वोट दीजिए. सबसे खास बात जो आज हिंदुस्तान में लैकिंग, जो कमी हो रही है, कि हमारी पब्लिक को आज भी नहीं मालूम कि हम किसको वोट दें. देखिए, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको हमको वोट नहीं करना चाहिए, मेरे को ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए उस बारे में, तो उनको भी हम कई बार वोट दे जाते हैं. और सर माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसराय थे इंडिया के, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ और वो देश से जब जा रहे थे इंडिया छोड़ के, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी से उनने बोला था कि हिंदुस्तान की जनता को अभी 100 साल लगेंगे ये समझने के लिए कि किसको वोट देना है, ये उनने बोला था. ऐसा हमने बुक्स में पढ़ा है ना. तो हम वो देख रहे हैं कि आज भी हमारे यहाँ के लोग कुछ, यानी मेरी समझ में गलत लोगों को वोट दे जाते हैं. हो सकता है उनकी समझ में वो ज़्यादा अच्छे हों, इसलिए तो उनको वोट देते हैं. लेकिन साहब बात तो है कहीं ना कहीं, और मैं आप पत्रकारों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को एजुकेट करें कि हमको किसको वोट देना चाहिए. हैं, कोई ऐसे आदमी तो नहीं है जो जुर्म कर रहे हों, कोई ऐसे आदमी तो नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है, और मान लो 4 आदमी खड़े हैं तो उनमें सबसे काबिल आदमी कौन है जो आपको, आपके समाज को, आपके देश को,
आपके एरिया को जहाँ के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको अपलिफ्ट करें, यही मेरा आपसे कहना है। और उसी बारे में स्कूल में बहुत अच्छा ये प्रयास है जो बच्चे आज सीख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी कि किन को हमको वोट देना चाहिए। नमस्कार। गडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।